अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे यूनिट 8 गिफ्टेड चिल्ड्रन। ओपन योर ऑक्सफोर्ड बुक, पेज नंबर है 40। सबसे ऊपर आप लोग क्लास को डेट मेंशन करेंगे। यूनिट 8 है गिफ्टेड चिल्ड्रन, यूनिट 8 लेसन 1, लिसन एंड स्पीक। रीड द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट वर्ड। ग्रैंडपा वांट्स या डजंट वांट्स इमरान हेल्प। अभी स्टोरी पढ़ने के बाद हमने चूज़ करना और बताना है क्या ग्रैंडपा जो हैं इमरान की हेल्प चाहते हैं या नहीं चाहते। इमरान: हेलो ग्रैंडपा, व्हाट आर यू डूइंग? ग्रैंडपा: आई एम डूइंग द क्रॉसवर्ड, आई हैव मैनेज्ड टू डू मोस्ट ऑफ इट। इमरान: लेट मी सी, यू आर डूइंग वेरी वेल, कैन आई डू एनीथिंग टू हेल्प? आई डोंट हैव होमवर्क दिस आफ्टरनून। ग्रैंडपा: यस, कुड यू गो एंड गेट सम डिक्शनरी, इट्स ऑन द किचन टेबल। इमरान: हेयर इट is, can I do anything else? Grandpa: yes, you can make a cup of tea. Imran: tea? I don't know how to make tea. Grandpa: no, but you can try. Imran: can I make a suggestion? Grandpa: grandpa what? Imran: look at the number 4 down, I think you have made a mistake. Mangoes is spelled OES. ठीक है, तो इस स्टोरी में ग्रैंडपा जो है वो ये क्रॉस पजल सॉल्व कर रहे हैं। इमरान जो है वो उनकी हेल्प करना चाह रहा है, लेकिन वो उसको बहाने बहाने से वहाँ से भेज रहे हैं। कभी उसको कह रहे हैं कि मेरे लिए बुक डिक्शनरी ले आओ, कभी मुझे चाय बना दो, लेकिन फिर भी इमरान उनको बताता है कि आपने मैंगोज के जो स्पेलिंग है वो एंड पे गलत लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ऑप्शन होगी वो डजंट वांट होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट मेक और डू द डायलॉग मे हेल्प यू। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ ब्लैंक है जिनमें आपने डू और मेक के साथ उनको फिल करना है। फर्स्ट है डू अ क्रॉस वर्क, सेकेंड है मेक एनी थिंग, मेक अ मिस्टेक, डू माई बेस्ट, मेक अ सजेशन, डू नथिंग, मेक टी, डू समथिंग एल्स, मेक एन एक्सक्यूज। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी ऑफ दीज थिंग्स कैन यू डू और मेक। तो इसमें आपने डू और मेक के साथ जो है वो इनकी ब्लैंक को फिल करना है। तो क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, पेज नंबर 41 पे आ जाएं। अगेन क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे। यूनिट 8 लेसन 2 है वर्ड्स। वर्ड्स इनसाइड वर्ड्स, सम नाउन्स कैन बी टर्न इनटू एडजेक्टिव्स बाय एडिंग लेटर एस एट द एंड। ठीक है, इसमें कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड पे एक लेटर ऐड करने के बाद हम उसको एडजेक्टिव बना लेते हैं। जैसे स्पोर्ट है तो एक वाई ऐड किया है तो हमारा स्पोर्टी हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। जैसे स्पोर्ट नाउन है और स्पोर्टी हमारा एडजेक्टिव हो गया। लुक एट दीज एडजेक्टिव्स इन एक्सरसाइज बी एंड फाइंड द हिडन वर्ड्स इन दैम टू हेल्प इन अ वर्ड ए। तो अब इस एक्सरसाइज को इस एक्सरसाइज के साथ मिला के हमने नाउन और एडजेक्टिव की मैचिंग करनी है। जैसे आर्ट है तो आर्टिस्टिक्स है, म्यूजिक है तो म्यूजिकल है, स्पोर्ट है तो स्पोर्टी है, फन है तो फनी है, एथलीट है तो एथलेटिक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यूज़ द एडजेक्टिव्स ऑफ एक्सरसाइज 1 बी टू कम्प्लीट दीज सेंटेंसेज। अब ये सारे हमारे नाउन थे, अब एक्सरसाइज बी जो है ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। अब इन एडजेक्टिव्स को लेके हमने एक्सरसाइज को फिल करना है। डैश पीपल कैन रन फास्ट और डू अ लॉन्ग जंप ऑन अ हाई जंप। ठीक है, तो ये होते हैं एथलेटिक। ठीक है, ये एथलेटिक है, ATHLETIC एथलेटिक। इफ़ यू कैन ड्रॉ एंड पेंट वेल देन यू आर डैश। अगर आप ड्राइंग और पेंटिंग कर सकते हैं तो यू आर एन आर्टिस्टिक। पीपल हु कैन प्ले एन इंस्ट्रूमेंट आर म्यूजिशियंस। इफ़ यू आर हेल्दी एंड इन्जॉय लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स यू आर डैश, यू आर स्पोर्टी। अ डैश पर्सन मेक्स यू लाफ, दैट इज़ अ फनी पर्सन। ठीक है, अब यूज़ द एडजेक्टिव एक्सरसाइज 1 बी इन योर ओन सेंटेंसेस। तो बेटा ये आपने अपनी कॉपी के ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं ये सारे एडजेक्टिव्स के। ठीक है, इनके अलावा सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द टेबल, यूज़ योर चॉइस एंड इन द गिवन बॉक्स। ठीक है, वेरी गुड, क्वाइट, एवरेज, नॉट वेरी गुड। अब आपने अपने और अपने फ्रेंड के मुतालिक ये जो क्वेश्चन हैं इनको फिल करना है। आर्ट में आप कैसे हैं और आपके फ्रेंड कैसे हैं, स्पोर्ट्स में आप कैसे हैं आपके फ्रेंड कैसे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप सबने अपनी चॉइस के मुताबिक जिसको फिल करना है।